हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं रनिंग करके आई हूँ और देखो गाड़ी में आ रही हूँ वापस। मतलब पहले रनिंग की तो टाइम शाम का ही मैंने चुना है कि जिस टाइम शाम के वापस आने का हो, क्योंकि थकावट भी बहुत हो जाती है इस टाइम। तो मुझे क्या रनिंग करते हो? हाँ, ये षड्यंत्र है मेरा। हाँ, पतली नहीं हो पाओगी। क्यों? मैं हाइट पे मतलब इंक्लाइंड वाली रनिंग करती हूँ, तो वो उसमें तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पतली नहीं होना मुझे, मुझे सिर्फ टमी फैट वो करना है, रिड्यूस करना, बाकी पतली मैं हूँ ऑलरेडी। चले वापस। हाँ चलो। हाय गाइस, आज है नेक्स्ट डे और आज मैं रनिंग पे नहीं जा रही हूँ, मतलब जा शोम के साथ ही रही हूँ अभी ऑफिस के टाइम पे फ्री होने पे ही, लेकिन रनिंग आज नहीं कर रही हूँ क्योंकि आज चीट कर लेती हूँ। एक हफ्ता पूरा हो चुका है मुझे, 7 डेज हो गया रनिंग करते हुए। इतनी भी ज़्यादा रनिंग नहीं करूँगी क्योंकि कहीं बहुत ही ज़्यादा पतली होगी तो आप लोग बोलोगे पहचाना ही नहीं अगर आपने मुझे। ऐसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं। इसलिए मैं आज रनिंग स्किप करती हूँ। आज मैं ढंग से पिज्ज़ा खाऊंगी, आज वेंसडे और यहाँ पे पिज्ज़ा पे ऑफर होता है, एक पे एक फ्री। तो आज मैं अपने हस्बैंड के साथ डेट पे जा रही हूँ, तो मैं अच्छे से तैयार हो लेती हूँ और फिर आपसे भी मिलती हूँ और शुभम को भी मिलने जाती हूँ क्योंकि शुभम की कॉल आ रही है पीछे से। चलो ठीक है, बाय बाय। मैं रेडी हो चुकी हूँ और आज मैंने फाइनली अपने नए शूज़ का उद्घाटन कर ही दिया जो मुझे शुभम ने गिफ्ट किए थे, जिसका टैग भी अभी तक नहीं मैंने छुड़ाया है। अब ये भी निकालती हूँ साथ के साथ ही आपसे बात करते करते। तो ये लो फाइनली अब मैंने पहन ही लिए। तो मैं इनको इतने टाइम से इसलिए नहीं पहन रही थी क्योंकि मुझे बहुत कॉस्टली लगे थे और मुझे ऐसा हुआ था, मैं कहा यार इतने महंगे मैं नहीं पहनूंगी। लेकिन शुभम ने कहा कि नहीं, मैंने गिफ्ट दिए तो चुपचाप पहन। इसीलिए तो बार बार शुभम बोलता रहता है जस्टिस फॉर शुभम, क्योंकि मैं इसको गिफ्ट देता रहता हूँ, ये मुझे कोई गिफ्ट नहीं देती है। लेकिन अब मैं पक्का अच्छा सा कुछ गिफ्ट देने वाली हूँ और आपको भी बताऊंगी। आप लोग भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो, डीएम करना इंस्टाग्राम पे, सो दैट कि शुभम को पता ना लगे कि मैं क्या देने वाली हूँ और वो सरप्राइज भी बना रहे और शुभम को अच्छा भी लगे। तो अभी निकलती हूँ। तुमने देखा नहीं क्या पहना मैंने? Oh my God. My new shoes. Finally. हाँ, गिफ्टेड बाय यू अगेन एंड अगेन, क्रेडिट। कितने कितनी देर तक चाहिए? हाँ बढ़िया सा चाइनीज़ खाने के बाद अब मैं शुभम को एक जगह ले चली हूँ क्योंकि मेरा मन है कुछ वॉफल टाइप खाने का, और जो मैंने बहुत सर्च करने के बाद मुझे मिला है कि एक जगह है नाहन में जहाँ मिल जाता है। तो देखते हैं, लेट्स चेक इट आउट, और शुभम को भी टेस्ट करवाती हूँ वॉफल आज। आर यू एक्साइटेड गाइस? आर यू? नो, क्योंकि शुभम को मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है पर मुझे बहुत क्रेविंग होती है, और जब मैं चीट मील कर रही हूँ तो मैं अच्छे से चीट करूंगी क्योंकि मेरे को मीठा खाना है, बहुत जोर से क्रेविंग है मेरी। तुमने वो थोड़ा सा बोल के वो पहुंचा दिया मैं कुछ दूर। यार ऐसे ही होता है, मैं थक गया हूं, मैं से चला जा, मेरे को उठा के ले चलो। आ जा कुगली, आ जा मेरी। चल। नहीं इतना गौर से क्या मेन्यू को पढ़ रहे हो? हां देख रहा हूं कि मैंने क्या-क्या लिखा है, कौन सी चीजें रटना चाहते हैं। तुम्हारी हैप्पी बर्थडे की फोटोज ले लेती हूँ, तुम्हारा बर्थडे तो मैं यही की फोटो लगा दूँ तुम्हारे। रुको मैं थंबनेल के लिए ले लेती हूँ हैप्पी बर्थडे टू मी। तो ये आ चुका है हमारा टेस्टी सा वॉफल, अब टेस्ट करके बताओ जल्दी से कैसा लगा, कैसा है? जल्दी देना अपना रिव्यू, इतनी देर मुझसे वेट नहीं हो रहा, लेकिन जल्दी खिलाओ। वेरी टेस्टी। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, घर आके मुझे मिल चुका है एक सरप्राइज, सारे हो चुका है पानी ही पानी क्योंकि फ्रिज मैंने डिफ्रॉस्ट पे लगाया था और मछली जल की रानी है, फ्रिज ने सारे पानी पानी कर दिया। यार देखो पानी भी रख दिया तुमने, बैग देखो इतना तालाब भर गया है यहाँ पे। तो ये बनाई थी मैंने आज सुबह, दिखाओ तो, दलिया की खिचड़ी, दलिया और मूंग दाल की खिचड़ी जो कि बहुत टेस्टी बनी थी, है ना? कैसी बनी थी? बहुत अच्छी। रेसिपी शेयर करनी चाहिए? नहीं बिल्कुल यार नहीं, नहीं बताएं ब्रेकफास्ट के लिए नहीं, सब बहुत बढ़िया हुआ है।
सो बहुत हेल्दी है ये। अभी डिनर में भी हम यही खाएंगे। एवरीबॉडी नीड टू ट्राई दिस। अभी हमने जो बाहर मतलब बहुत चीजें खा ली है, वॉफल भी खाया और थुप्पा भी खाया था, तो उसके बाद अब भूख तो नहीं लगेगी, ग्रीन टी पियेंगे। अगर भूख लगेगी भी तो ये दलिया खिचड़ी है जो हेल्दी भी है और मतलब उससे फैट भी नहीं होगा। मतलब अब फिर से डाइटिंग शुरू मतलब कर लिया, जितना बदपरहेजी करनी थी, जितना हर कुछ खाना था वो खा लिया और अब फिर से बैक टू बेसिक। आने से पहले ये देखो, यहाँ पे पोछा लगाना पड़ेगा। अब इतना घूम फिर के आई, इतने बढ़िया कपड़े पहन रखे हैं, अब पोछे लगाऊंगी। ओह माय गॉड, यहाँ पे हो चुके बर्फबारी, गर्मी में भी सर्दी का एहसास। तो बहुत बुरी हालत हो गई है। 2000 years later। तो मुझे तो लगी नहीं है भूख, क्योंकि मैंने पोछा भी लगाया है, लेकिन शोन को लग गया, तो शोन के लिए ये रेडी है। मतलब मैंने गर्म करके दे देती हूँ और साथ रायता दे दूँगी या दही दे दूँगी। तो मैं तो नहीं खाऊँगी, मैं सिर्फ ग्रीन टी पीऊँगी, क्योंकि मैं अब डाइट कॉन्शियस हो चुकी हूँ ना। मेरे भाई की शादी आ रही, तो मुझे अच्छी दिख रही है। कर लिया, चेयर पर बैठ के खाओ ना, ठीक है। फाइनली 1.5 घंटा लगने के बाद मेरा फ्रिज बिल्कुल साफ हो गया। देखो इतना अच्छे से साफ किया है। मुझे सच में छोटी छोटी चीज़ों में भी बहुत खुशी मिल जाती है। मेरे घर पे सफाई हो जाए ना मुझसे, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। और आई गेस आपको भी मिलती होगी। कमेंट्स करना किस किस को ऐसा होता है। मतलब शायद ये OCD का असर है, तो हो सकता है मुझे OCD है, हो सकता नहीं है, है एक्चुअल में थोड़ा। लेकिन नहीं, आज यहाँ पे सारे तालाब भर चुका था, नीचे पूरा पानी पानी था, वो सब क्लीन किया, पोछा लगाया और फिर फ्रिज साफ किया। और ये देखो बर्फ़ इतनी सारी, ये फुल था पूरा, फिर इसको साफ किया, सारा गंदा हो गया था, मुझे इतना डर्टी लग रहा था ना। फिर अब जाके मैं फ्री हुई, 9:30 हो गए, अब भूख तो है नहीं, ग्रीन टी पीती हूँ और फिर सो जाऊँगी। थोड़ी सी वॉक भी करनी है, क्योंकि खाने के बाद मैं वॉक ज़रूर करती हूँ। तो अब थोड़ी देर में मिलती हूँ, क्योंकि चेंज वगैरह भी नहीं किया है मैंने अभी तक। तो मैं तो रह गई आज काम में ही, और अब ग्रीन टी पी रही हूँ। शुभम को पड़ चुकी है मैच देखते देखते ही नींद। लेकिन मैं अपनी ग्रीन टी इंजॉय करती हूँ और थोड़ी देर में भी मैच देखती हूँ, फिर मैं भी सोती हूँ। अब 10 बज चुके ऑलरेडी। मम्मी और एक बात बताओ कि काठी क्या होता है? अरे काठी एक पौधा होता है, हाँ, जो जंगल में उगाया जाता है, मतलब उगता है खुद से। और आजकल उसमें फूल आते हैं जिनका साग बनाया जाता है। अच्छा, दो नंबर की डेफिनेशन हो गई। लकड़ी में भी यूज होता है, लकड़ियां भी, मतलब जैसे इसके आपको 5 नंबर नहीं मिलने वाले, पर याद रखना। क्या चीज़? अच्छे से एक्सप्लेन करो, अच्छे से एक्सप्लेन करो, 5 नंबर चाहिए। बड़ा बड़े नंबर का क्वेश्चन था ये। 5 नंबर क्या, मेरा तो 10 out of 10। क्या बोलते हैं, नजदीक का आया था ना फोन अभी, तो शुभम ने बोला कि मम्मी से पूछे, मेरे को तो पता ही नहीं था काठी होता क्या है, ये क्या चीज है। मैं कहा दीदी पता नहीं, ये कुछ नया शब्द सुना दिया आपने भाई, मेरे को लगा तेरे को पता होना भाई। अर्की वालों को तेरे नानका में भी होता है, हमारे भी ना, मैंने तो खाया ही नहीं है वो कभी। अरे तो साग हमने बनाया ही नहीं कभी, पर ये चीजें आजकल बड़ी होती है, बहुत चीजों का साग होता है आजकल। अच्छा, मम्मी ने तो कल मेरे लिए नया सूट भी लिया है, वो पहनूंगी मैं शादी में, है ना मम्मी? हाँ, शादी में पहनने लायेगी तो तुम्हारे पास तो बड़े अच्छे अच्छे कपड़े होंगे। मैंने तो कॉटन के लिए, तुम लोगों को दोनों को तो मेरी माँ ने लिया है यार, मैं पहनूंगी तब क्या हो गया, शादी में चाहे रात को पहनूंगी अगर शादी लायक नहीं हो। हाँ, वैसे पहन सकते तुम सुबह शाम के लिए ना, उसको एक ऐसे बनवाना तू और नैना, ठीक है, हम एक ही टेलर से लगाओ, तुम दोनों में पे भी वो रंग अच्छा लगेगा। सेम लिया आपने, सेम रंग जुड़वा, सेम बिल्कुल सेम, तो अपने लिए लेना, तिड़वा कर देना था हमने। नहीं मम्मी नहीं, बर्थडे पे जो सूट पहना था उसमें तो लड़की लग रही थी। लड़की नहीं हो आप, हमारे से भी यंग लगते हो। ये तो मुझे पता लग जाता है, मुझे कैसे वो कर रहा है, हवा में हवा दे रहा है। नहीं हवा नहीं दे रहे हम, सच में ही लगते हो उसमें तो। मम्मी जब कहर कहर लग रही थी, कहर। हाँ, बर्थडे वाले में। और हमारे जमाई राजा के क्या हाल है? तो मॉर्निंग की शुरुआत हुई है कुछ ऐसे कि मम्मी की कॉल आई थी
नहीं मम्मी की नहीं आई थी, मुझे पहले दीदी की कॉल आई थी, फिर मतलब अनुरदी की जो शोरूम के सबसे बड़े दीदी है उनकी कॉल आई थी। उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ बताई कि मुझे उसका पता नहीं था, तो फिर मैंने पापा को कॉल किया क्योंकि शोरूम ने बोला कि पापा से कर बात। तो पापा का कॉल मम्मी ने उठाया, फिर थोड़ी बहुत उनसे गपशप हुई। अब और सुबह सुबह आज फिर से हमने कुछ हेल्दी ड्रिंक पिया है, और इसके बाद अब मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ और लंच भी बनाती हूँ शुगर के लिए। आयुर्वेदिक सा ड्रिंक पिया अभी हमने। स्टेप हमारा है, मैंने पीना पपाया शेक। ठीक है, अब मेरे लिए थोड़ा सा पपाया करना है, मैं इसलिए तुम पपाया निकाल देना बाहर, मैंने शेक बनाना है। चलो मैं बना दूंगी, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मैं बना दूंगा पपाया शेक, तो मैं बना लूंगा। ओके बाय बाय, सायोनारा। सायोनारा सायोनारा। यार आज एक कोइंसिडेंस हो गया है कि मैं भी सब्जी लेकर आई हूँ और शुभम भी सब्जी ले आए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सेम सेम सब्जियाँ ले आए हो, तब तो हमारे पास एक किलो हो जाएगा, और एक किलो हमारे लिए बहुत हो जाती है, मतलब आधा किलो ही लेते हैं हम दो के लिए। तो तुमने खुद ही बोला था वो सब्जी ले आना, तो यार मेरे को लगा कि तुम्हें नहीं। हाँ मैं कहा तुम्हारे दिमाग से अगर स्किप हो गया तो फिर मैंने सोचा मैं ही ले जाती हूँ, तो मैंने तुम्हारा काम आसान किया, तुमने मेरा काम आसान किया। डबल सब्जियाँ खाओ। हाँ पर नहीं सेम तो नहीं है, तुम क्या लाए हो? मैं लाया हूँ मटर, लाया हूँ गाजर, लाया हूँ नींबू, लाया हूँ। तब नहीं, मैं नहीं लाई हूँ वो, मैं कद्दू वगैरह लाई हूँ और भिंडी लाई हूँ, थोड़ी डिफरेंट सब्जी है। इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करती हूँ। और हाँ, कोइंसिडेंटली हमारी सब्जियाँ सेम नहीं हुई है, सेम टाइम पे हम सब्जी लेकर आए हैं लेकिन सब्जियाँ सेम नहीं थी। तो इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और कॉमेंट करना मत भूलना। और हाँ, इस वक्त IPL देखने का इतना मज़ा आता है ना, फुल ऑन एंटरटेनमेंट, मतलब ये देखो TV चल रहा है, IPL चल रहा है, और देखो 18.4 करोड़ पीपल देख रहे हैं, मज़ा आ जाता है यार। क्या आप लोग भी IPL देख रहे हो? कमेंट्स करना जो जो IPL देख रहे हैं, और किसकी टीम कौन सी फेवरेट है, और गेस करते हैं। चलो एक गेम खेलते हैं, लेट्स गेस कि कौन जीतेगा, मतलब अभी प्रेडिक्ट कर लेते हैं। सब कमेंट्स में करना, और मैं भी बताऊंगी फिर कमेंट में ही बताऊंगी कि मेरी फेवरेट टीम कौन सी है। बाकी तब तक आप लोग भी गेस करो कि कौन सी हो सकती है मेरी फेवरेट टीम। चलो फिर गुड नाइट, बहुत सारी बातें होगी, अब तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, ढेर सारा सब्सक्राइब भी करो और शेयर भी करो। बाय बाय, टेक केयर।